Welcome back to my channel. Today we are discussing about the chapter Animal Kingdom. So let's get started. So हम इस chapter को Ncert के according start करेंगे and इसके जो भी examples होंगे वो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसके examples important होते हैं और commonly उसके जो common name होते हैं वो ज़्यादातर important होते हैं. तो हम लोग उसको ध्यान रखते हुए अपना chapter start करते हैं. सो पहली बात तो ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में होते हैं. मल्टी सेलुलर मतलब कि क्या, कि हम जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो बहुत ढेर सारे सेल से मिल करके बनी होती है. अब दूसरी बात ये करते हैं कि हम लोग मतलब कि उस जो एनिमल्स है वो किन किन भागों में किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, तो उसके ऊपर आता है. तो सबसे पहला आता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो एनिमल्स की बॉडी होती है या फिर कुछ भी एनिमल्स जितने भी होते हैं वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, उनके बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उनके सिलों का नेचर कैसा है, उनके डाइजेस्टिव का मतलब पैटर्न कैसा है, उसके बाद में उनके जो सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे हैं. तो इस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है. सो फ्रेंड्स, आपको यदि नोट्स बनाना है तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड किया है, नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस पे डिवाइड किया है, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफिकेशन किए हैं. अब उनका क्लासिफिकेशन हम उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी बेसिस पे करते हैं. जैसे होता है एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि जब हम लोग ग्रुप ऑफ सेल को मिलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का. जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बनते मिलता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. एंड देन व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिलते हैं तो पूरे एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली पोरीफेरा आते हैं, उसके टिश्यू लेवल में हमारे सिलेंटेटा और टीनोफोरा आते हैं, फिर ऑर्गन लेवल में हमारे प्लेटेल मंथिस आते हैं, और ऑर्गन सिस्टम प्लेटेल मंथिस के बाद में जितने भी एस्केल मंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा और रिकोइनोडर्मेटा या फिर जो भी आगे के फाइलम्स होते हैं, सब के सब का जो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सब कुछ ऑर्गन सिस्टम हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पे आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, कंप्लीट होता है और इनकम्प्लीट होता है. तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि ओनली जब किसी बॉडी में जब सिंगली ओपनिंग होगी, मीन्स यदि माउथ और एनस दोनों यदि एक ही जगह पे होगा तो वो कहलाएगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. वेरेवर यदि कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे दो ओपनिंग होगी जो कि माउथ और एनस एक अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे, मतलब कि दो ओपनिंग होगी वहाँ पे, तो उसको कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा. फ्रेंड्स, जो अगला पार्ट है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.